हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी बोर्ड में। और एमसीक्यू सीरीज का सेशन टू लेकर हम आज आपके सामने प्रेजेंट हैं। तो आज से फिर आपके सामने 15 क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं कल के क्विज क्वेश्चन से। तो कल हमने आपसे क्विज में पूछा था, रिट ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स इज डिफाइंड इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, रिट ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट जो है ये डिफाइंड है कहाँ पर? ये डिफाइंड है आर्टिकल 226 के अंदर। तो आर्टिकल 226 में है रिट ज्यूरिस्डिक्शन हाई कोर्ट्स का। और जो रिट ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जो रिट ज्यूरिस्डिक्शन है वो डिफाइन है आर्टिकल 32 में। और आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल भी कहते हैं, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है आर्टिकल 32 को। और ये किसने कहा था? ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था कि आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट जो रिट ज्यूरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट्स का वो आर्टिकल 226 में डिफाइन है। और रिट ज्यूरिस्डिक्शन में क्या होता है कि हाई कोर्ट जो है वो डिफरेंट रिट इश्यू कर सकता है। पांच टाइप की रिट्स होती हैं, वो आप हमारे वीडियो लेक्चर्स में देख सकते हैं जो हमने इंडियन जुडिशरी पे बनाया हुआ है रिट ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर। तो वो रिट्स अलग अलग रिट इश्यू करता है किसके लिए? फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ताकि उनका वायोलेशन ना हो पाए फंडामेंटल राइट्स का। और अदर पर्पसेस के लिए भी हाई कोर्ट जो है रिट इशू कर सकते हैं। तो ये था कल के क्विज के क्वेश्चन का आंसर। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने रूटीन क्वेश्चन। हु वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर ईयर 2019? 2019 का नोबेल प्राइज जो है लिटरेचर में, साहित्य में नोबेल प्राइज किसे मिला है? तो नोबेल प्राइज मिला है 2019 का पीटर हैंडके को। ये 2019 के लिए इन्हें मिला है। और देखिए, पिछले साल 2018 में लिटरेचर का नोबेल प्राइज अनाउंस नहीं हुआ था। तो 2018 में जो नोबेल प्राइज मिला था वो मिला है, 2018 का इसी साल अनाउंस हुआ है, ओल्गा टोकारजुक को। तो ध्यान रखिए, 2019 का पीटर हैंडके एंड 2018 का ओल्गा टोकारजुक। नाइन्थ आरसीईपी मिनिस्ट्रियल मीटिंग टुक प्लेस इन, आरसीईपी मिनिस्ट्रियल मीटिंग है नाइन्थ, तो ये हो रही है कहां? बैंकॉक। एंड बैंकॉक इज द कैपिटल ऑफ थाईलैंड। आरसीईपी के बारे में जान लेते हैं, आरसीईपी है क्या? आरसीईपी इज रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। और ये पार्टनरशिप किस किस के बीच में है? ये पार्टनरशिप होती है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए इसके मेंबर्स, और जो इसके मेंबर्स हैं वो एशियन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज में आपको पता है 10 मेंबर कंट्रीज हैं, और प्लस 6 अदर मेंबर्स जो कि 6 एफटीए मेंबर्स हैं अभी फ्री ट्रेड एसोसिएशन के। और वो मेंबर्स कौन कौन है? इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो ये सभी मेंबर्स हैं इसके अंदर, टोटल 16 मेंबर्स का ये ग्रुप है। और ये सबसे बड़ा इकोनॉमिक ब्लॉक है, ये सबसे बड़ा इकोनॉमिक ब्लॉक है वर्ल्ड का, लार्जेस्ट इकोनॉमिक ब्लॉक ऑफ वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप जो है ये मोर देन 50% पॉपुलेशन कंस्टिट्यूट करता है, मोर देन 50% पॉपुलेशन है यहाँ पे। और जीडीपी का भी अच्छा खासा शेयर जो है ये इन कंट्रीज के बीच में आता है वर्ल्ड जीडीपी की जो हम बात। हु इज एट नंबर 2 ऑन फोर्ब्स रिचेस्ट पीपल इन इंडिया लिस्ट? अभी फोर्ब्स ने रिचेस्ट पीपल इन इंडिया लिस्ट इश्यू करी है, उसके अंदर नंबर 2 पर कौन है? तो देखिए, नंबर 2 पर हैं ये, नंबर 2 पर हैं गौतम अडानी, और ये पहले 8th नंबर पे थे और इस साल की लिस्ट में ये 2nd नंबर पर आ गए हैं, एक बिग जंप है ये। और 1st नंबर पे जो है वो मुकेश अंबानी है। तो ये टॉप 10 की लिस्ट है, टॉप 10 के अंदर उदय कोटक और एस पलोनजी मिस्त्री ये भी आते हैं। तो ये फोर्ब्स मैगजीन जो है, फोर्ब्स मैगजीन के बारे में जान लेते हैं, ये एक यूएस की बिजनेस मैगजीन है ये। तो इसके अकॉर्डिंग जो है इंडिया के जो रिचेस्ट हैं वो मुकेश अंबानी है, और 2nd नंबर पे गौतम अडानी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक शिक्षा माई एक्सपेरिमेंट्स एज एन एजुकेशन मिनिस्टर? तो हमारे पास चार ऑप्शन है, स्मृति ईरानी, रमेश पोखरियाल, मनीष सिसोदिया एंड प्रकाश जावड़ेकर। देखिए, चारों के चारों जो हैं ये होम मिनिस्टर रहे हैं। और अगर बात करें स्मृति ईरानी की, स्मृति ईरानी जो है एचआरडी मिनिस्टर रही हैं, और रमेश पोखरियाल जो है अभी यूनियन एचआरडी मिनिस्टर हैं, करंट में यूनियन एचआरडी मिनिस्टर हैं ये। और मनीष सिसोदिया जो है ये दिल्ली, दिल्ली एनसीटी एजुकेशन मिनिस्टर हैं। प्रकाश जावड़ेकर भी यूनियन एचआरडी मिनिस्टर रहे हैं। तो इस बुक को लिखा किसने है? इस बुक को लिखा है मनीष सिसोदिया ने। और ये सभी को पता है कंट्री में कि इनकी लीडरशिप में एज एन एजुकेशन मिनिस्टर जो दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उन्होंने बहुत इम्प्रूव करा है, और ये अच्छा खासा इन्हें वर्ल्ड रिनाउंड लीडर हो गए हैं ये फॉर एजुकेशन रिफॉर्म्स। अ न्यू डिस्टिंक्ट स्पेशी ऑफ फ्रॉग माइक्रोहिला एओस इज डिस्कवर्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? देखिए, एक ये ना डिस्टिंक्ट स्पेशी है, ये अभी माइक्रोहिला एओस इसका नाम है, ये डिस्कवर हुई है इंडिया के अंदर, और ये अरुणाचल प्रदेश में हुई है ये डिस्कवर। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट रिसर्च है ये,
इम्पोर्टेंट डिस्कवरी है ये एक. माइक्रोहिला एओस इज अ स्पीशी ऑफ फ्रॉग जो अरुणाचल प्रदेश में मिली है. हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड्स वेदर अ पर्टिकुलर बिल इज अ मनी बिल और नॉट. तो अब हम इंडियन पॉलिटी के सेक्शन पे आ गए हैं. तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कौन डिसाइड करता है कि एक बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं है. तो देखिए ये जो प्रेरोगेटिव है ये स्पीकर ऑफ लोकसभा का होता है, वो ये डिसाइड करते हैं कि बिल मनी बिल होगा या नहीं होगा. और कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 110 है वो डेफिनेशन देता है किसकी, मनी बिल की, कि कौन सा बिल मनी बिल होगा. उसकी डेफिनेशन है आर्टिकल 110 में. तो स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करते हैं कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है. Who acts as the President of India when neither the President nor the Vice President is available? अब ऐसी कोई कंडीशन हो जाए कि President office भी जो है वो वैकेंट है और Vice President office भी वैकेंट है, खाली है, तो उस समय पर भारत के राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति, एक्टिंग प्रेसिडेंट का रोल कौन प्ले करेगा. तो देखिए वो रोल प्ले करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. और ऐसा क्या इंडिया में हुआ है? हाँ, इंडिया में ऐसा हुआ है एक बार, ये ऑफिस जब वैकेंट हो गया था तो दी देन उस समय के जो चीफ जस्टिस थे मोहम्मद हिदायतुल्ला, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे हैं. और ये अभी तक सिर्फ एक बार ही हुआ है, ध्यान रखिए, मोहम्मद हिदायतुल्ला एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे हैं एक बार. जब जाकिर हुसैन जी का वो जब प्रेसिडेंट थे और उनका उनके ऑफिस के अंदर निधन हो गया था, उसके बाद वीवी गिरी उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट थे, तो वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बने और वीवी गिरी ने फिर कंटेस्ट किया प्रेसिडेंट इलेक्शन, तो उसके कारण वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस में वैकेंसी क्रिएट हो गई, प्रेसिडेंट ऑफिस में वैकेंसी क्रिएट हो गई. तब उस समय सीजीआई मोहम्मद हिदायतुल्ला थे और इन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट का रोल प्ले किया. नेक्स्ट इज अनटचेबिलिटी इज अबोलिस्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इज पनिशेबल अकॉर्डिंग टू. तो अनटचेबिलिटी जो है वो खत्म कर दी गई है और इसके जो अगर कोई इसे फॉलो करता है तो उसको पनिशमेंट मिलती है. और वो पनिशमेंट कहाँ डिफाइन है? वो डिफाइन है आर्टिकल 17 के अंदर. ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से एक है ये पॉलिटी में. अब हम हिस्ट्री सेक्शन पे चलते हैं. द ब्लैक होल एपिसोड वॉज द मेन कॉज ऑफ. देखिए बहुत ही एक ऐसा एपिसोड है जिसे इनफेमस भी बोले, और इसके कारण फिर एक बड़ा वॉर हुआ और वही पूछा है इस क्वेश्चन में, कौन सा था वो, हुआ बैटल ऑफ प्लासी. तो देखिए सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे, तो सिराजुद्दौला ने क्या करा कि वहां के जो ब्रिटिशर्स थे जब उस टाइम पे फोर्ट विलियम था उसके जो वहां ब्रिटिशर्स थे और उनसे लड़ाई हुई और उन्हें क्या करा, ये कहा जाता है ऐसा कि 10x10 के रूम में लगभग 146 सोल्जर्स को उसने बंद कर दिया था. और ऐसा कहा जाता है कि उसमें से लगभग 126 की जो थी डेथ हो गई थी ड्यू टू सफोकेशन. तो ये एक ब्लैक होल एपिसोड बोलते हैं. और इसके कारण फिर क्या हुआ, ये बैटल ऑफ प्लासी हुई कब, 1757 में. दीने इलाही वाज फर्स्ट एक्सेप्टेड बाय. तो दीने इलाही क्या था, ये दीने इलाही वाज अ रिलीजन और ये रिलीजन प्रोपाउंड किया था किसने, रिलीजन प्रोपाउंडेड बाय मुगल एम्पायर. कौन से मुगल एम्पायर ने, अकबर ने ये प्रोपाउंड किया. और इसे जो पहले जो जिन्होंने सबसे पहले एक्सेप्ट किया वो कौन थे, वो थे बीरबल. तो बीरबल ने सबसे पहले इसे एक्सेप्ट किया. इस रिलीजन में कहा जाता है कि अलग अलग जो रिलीजन्स थे उस टाइम पे उसके जो एलिमेंट्स थे बेस्ट एलिमेंट्स वो इस रिलीजन में डालकर इस रिलीजन को बनाया गया था. अल बिरूनी केम टू इंडिया अलोंग विद. अल बिरूनी इंडिया में किसके साथ आए थे? देखिए अल बिरूनी जो आए थे वो महमूद ऑफ गजनी के साथ इंडिया में आए थे. एंड यू नो महमूद ऑफ गजनी इज इनफेमस फॉर, ये इनफेमस है किस चीज के लिए, फॉर लूट ऑफ सोमनाथ टेम्पल्स. इन्होंने सोमनाथ टेम्पल्स को कई बार लूटा. सोमनाथ टेम्पल्स कहां पर है, गुजरात में. सोमनाथ टेम्पल को इन्होंने कई बार लूटा और ये महमूद ऑफ गजनी के साथ ही आए थे इंडिया में. और इन्होंने एक किताब भी लिखी है जब ये इंडिया में अपने टूर पर थे, तो इन्होंने किताब लिखी तहकीक ए हिंद. तहकीक ए हिंद बुक जो है वो किसने, अल बिरूनी ने लिखी हुई है तहकीक ए हिंद. ज्योग्राफी सेक्शन शुरू करते हैं. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया. अब देखिए इंडिया की कोस्ट लाइन के लिए हमें क्या है, इंडियन पेनिनसुला को समझना पड़ेगा कि इंडियन पेनिनसुला क्या है. तो इंडियन पेनिनसुला को देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास टोटल जो है वो 9 स्टेट्स आती हैं जो कि कोस्टल स्टेट्स हैं. 9 स्टेट्स हैं
कोस्टल स्टेट्स जो इंडियन कोस्ट लाइन पे हैं। और वो स्टेट्स क्या हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले है गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ये 9 स्टेट्स हैं जो हम इस तरीके से जा रहे हैं इस ऑर्डर में यहाँ पर। पर इसमें सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किसकी है, तो सबसे बड़ी कोस्ट लाइन जो है वो है गुजरात की। गुजरात की कोस्ट लाइन है अप्रोक्सीमेट 1916 किलोमीटर, 1916 किलोमीटर की है लगभग ये कोस्ट लाइन। और टोटल इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है, टोटल जो कोस्ट लाइन है इंडिया में वो है 7500 किलोमीटर की, 7500 किलोमीटर। अब इस 7500 किलोमीटर में से अप्रोक्सीमेट 6000 किलोमीटर तो ये 9 स्टेट्स की हो गई, और बाकी जो 1500 किलोमीटर है ये किसकी है, यूटीज की। अब कौन कौन सी यूटी हैं जो कोस्ट लाइन पर है, देखिए टोटल 4 यूटी हैं, 9 स्टेट्स और 4 यूटीज आर ऑन द कोस्ट लाइन। कौन कौन सी, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, और इसके अलावा कौन सी हो गई, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली। ये 4 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो ये टोटल मिलाकर हो जाती है कितनी, 7500 किलोमीटर अप्रोक्स। द हिमालयन माउंटेन सिस्टम बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो हिमालयन माउंटेन सिस्टम कौन से, देखिए हिमालय जो फॉर्म हुए कैसे हुए हैं, ये जब दो शीट एक दूसरे की तरफ चलती हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए, दो शीट एक दूसरे की तरफ चलती हैं, आपने कभी पेपर को लेके कराओ तो उसमें क्या होता है, इस तरीके के फोल्ड्स बन जाते हैं उस शीट्स में, ठीक है, यही हिमालय की ओरिजिन का कारण है। तो हिमालय जो है ये क्या है, फोल्ड माउंटेन्स है, और इन्हें यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। यंग फोल्ड माउंटेन्स ये वर्ल्ड के सबसे यंगेस्ट माउंटेन है, और इसकी हाइएस्ट पीक कौन सी है माउंटेन्स की, जो ये हिमालयन माउंटेन है इनकी हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है कहां पर, माउंट एवरेस्ट इज देयर इन नेपाल। तो हिमालयन माउंटेन्स आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स। द स्टेट्स विच हैव कॉमन बॉर्डर विद चाइना आर, तो अब देख लेते हैं कि हमारा ये, पहले तो मैप हम एक बार देख लेते हैं, मैप क्या है हमारा, मैप इस तरीके से है ये। तो हमारा जो मैप है नॉर्दर्न इंडिया का हम देखते हैं, तो ये हमें कह रहा है कि कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो इंडिया की, वो स्टेट्स जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। तो देख लेते हैं हम, हिमाचल प्रदेश की जो लोकेशन है वो यहाँ है, हिमाचल प्रदेश, और ये क्या है हमारा, इधर पता है चाइना है, तो ये हिमाचल प्रदेश है। इसके जस्ट साथ में है उत्तराखंड और सिक्किम, ये सिक्किम हुआ, और यहाँ पर जो है ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। तो हम देख रहे हैं अपने मैप से ये J&K जो कि अब दो यूनियन टेरिटरी में बाइफरकेट हो चुका है, तो हम देख रहे हैं इससे हमें पता लग रहा है हिमाचल प्रदेश ही बॉर्डर शेयर करता है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ऑल दीज 1, 2, 3 एंड 4 शेयर बॉर्डर विद चाइना। अब आज का हमारा क्विज क्वेश्चन जो है वो ये है, इन विच सिटी आरबीआई हैज सेट अप अ स्टेट ऑफ द आर्ट बैंक नोट क्वालिटी एश्योरेंस लेबोरेटरी। आरबीआई ने एक स्टेट ऑफ द आर्ट बैंक नोट क्वालिटी एश्योरेंस की, बैंक की जो बैंक नोट होता है उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे, उसके लिए एक लेबोरेटरी बनाई है। वो लेबोरेटरी कौन सी सिटी के अंदर बनाई है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और हम इंतजार करेंगे आपके कमेंट्स का। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लें, क्योंकि हमारी ये वीडियो रोज आपको अवेलेबल होंगी, 15 क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, और इसे साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।